ये 520 मोबाइल वेटनरी यूनिट 201 करोड़ रुपए की लागत से उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुई और 5 अलग अलग जोन में, यानी उसको आप सेंट्रलाइज नहीं डिसेंट्रलाइज करते हुए अलग अलग जोन में भी हमें कार्यों को देखने का, उसकी समीक्षा करने का एक अवसर प्राप्त होगा कि कैसे अलग अलग कंपनियां इन कार्यक्रमों के साथ जुड़ी हुई हैं और जो कार्यक्रम आगे बढ़ाएंगे क्वालिटी के साथ सेवाएं उपलब्ध करवाएंगे उसे प्रोत्साहित करने का कार्य भी सरकार करेगी। एक दूसरे का मूल्यांकन करने का अवसर भी प्राप्त होगा। आज मैं एक बार फिर कह सकता हूं कि मूक जीवों की का आशीर्वाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ में, माननीय रूपाला जी के साथ में और पूरे अभियान के साथ जो भी लगेगा उसको अवश्य प्राप्त होगा। इस विश्वास के साथ मैं आप सबको वासंती नवरात्रि के इस अवसर पर, और 30 मार्च को रामनवमी भी है, रामनवमी की हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। और मुझे पूरा विश्वास है कि ये सेवाएं उत्तर प्रदेश के पशुधन की गुणवत्ता को बढ़ाने, उनके संरक्षण और संवर्धन में एक बड़ी भूमिका का निर्वहन करेंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद।